कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक ये संभव है, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, कुछ हद तक वो मान गई है। गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टू सम एक्सटेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ हद तक। चलिए गाइज, रूल देख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सेंटेंस प्लस टू सम एक्सटेंट। चलिए गाइस, एग्जांपल के माध्यम से हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। कुछ हद टू सम एक्सटेंट, आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, कुछ हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, आई कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक आप मुझे भूल गए हो, यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट, यू हैव फॉरगॉटन मी टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो मान गई है, सी हैज़ अग्रीड टू सम एक्सटेंट, सी हैज़ अग्रीड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस प्लेस टू सम एक्सटेंट, आई नो अबाउट दिस प्लेस टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक यह संभव है, इट इज़ पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, इट इज़ पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो सही है, ही इज़ राइट टू सम एक्सटेंट, ही इज़ राइट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो सही है। एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ हद तक वो मेरी बात सुनती है, राइट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।